student Today, our discussion topic is all about the impedance. Impedance leads to opposition. As you have studied, the resistor offers some opposition that is said to be a resistance. In case of AC circuits, you have discussed that the capacitor offers some opposition to the flow of charges that is said to be a capacitive reactance, and in the same way, the inductor is offered some. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जिज टू द फ्लो ऑफ करंट दैट सेट टू बी यार इंडक्टिव रिएक्टेंसिस तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस कैपैसिटेंस सॉरी रजिस्टेंस कैपैसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ये जो कम्बाइंड इफेक्ट है हम कोई भी ऐसी सर्कट्स बनाते हैं उसको जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर आर एल सी स्रीज सर्कट लिया है रेजिस्टेंट इंडक्टर कैपैसिटर तीनों सीरीज में है दिस इज द आर एल सी श्री सर्कट अब इसमें देखिए हाउ मच टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय दी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स ये तीनों कंपोनेंट्स इस सर्किट में कितनी अपोजिशन ऑफर करें ठीक है दैट इज टू बी अ इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट ठीक है द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस इज सेट टू बी अ इंपीडेंस जो कंबाइंड इफेक्ट होगा हमारे पास इस सर्किट में XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस आर इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा इस सर्किट में स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देंगे इम्पीडेंस का एंड दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय द जी कैपिटल जी एंड इट्स कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग द फार्मूला वी आर एम एस डिवाइडिंग बाय आई आर एम एस इट इज राइड फ्रॉम दा आप लोग Ohumla को यूज करते हुए आर इज इक्वल टू वी आर आर निकालते थे सेम भी इम्पीडेंस भीम बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी अल्टरनेटिंग करंट सो द आर एम एस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट सो वी कैन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर आर इम्पीडेंस बाइजिंग दिस कैलकुलेशन अगर हमारे पास स्टूडेंट ये तीनों कंपोनेंट तो हैं तो इम्पीडेंस इन तीनों का कंबाइन इन्फेक्ट रिएक्टेंसिस इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस तीनों का जो इफेक्ट होगा दैट इज सेट टू बी इंपीडेंस अगर इन तीनों में से कोई एक स्किप है ठीक है सपोज कर लें जो यहाँ पे कैपेसिटर है वो नहीं लगा हुआ तो फिर इंपीडेंस किसे बोलेंगे फिर हम लोग इंडक्टेंस रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसे हम लोग इंपीडेंस बोलेंगे ठीक है या फिर ऐसे समझिए कैपेसिटर लगा हुआ इंडक्टर नहीं लगा हुआ तो फिर इंपीडेंस क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग इंपीडेंस का नाम देंगे और इसका जो यूनिट है स्टूडेंट जो यूनिट होता है इसकी जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं इंपीडेंस की वो ओहम में करते हैं सेम यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस होता है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा कंसेप्ट था इम्पीडेंस दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सर्किट इज सेट टू बी अ इम्पीडेंस ये नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट हम लोग डील करेंगे आर एल सीज सर्कट आर एल आर सी सीरीज सर्कट आर एल सी पैरल इन तमाम सर्कट्स में हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे सर्किट की तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़